झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी भाजपा विधायकों का सदन के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। वहीं सदन के अंदर भी जेएसएससी के मामले पर विरोध देखा गया, जहां बीजेपी के विधायकों के द्वारा सीबीआई जांच की मांग पर कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी और कांग्रेस कोटे से मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार एसआईटी जांच कर रही है, कोई भी आरोपी या दोषी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि मौके पर इरफान अंसारी ने कहा कि जहां तक सीबीआई जांच की बात है तो यह एक लेंथी प्रक्रिया है, हम चाहते हैं कि 15 दिनों के अंदर ही सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल इन मुद्दों पर राजनीति कर रही है और युवाओं के भविष्य को अधर में लटकाना चाहती है। भाजपा ने यहाँ के युवाओं का करियर बर्बाद कर दिया। सरकार हमारी है लेकिन तंत्र हमारे नहीं है, और निश्चित तौर पर अब उस तंत्र को हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं 2024 में। जो JCSC हुआ और JPSC को बर्बाद भाजपा ने किया। शुरुआत में घर का जो बुनियाद है, नींव है, उसको कमज़ोर कर दिया। युवाओं का भविष्य को बेच दिया इन भाजपाइयों ने, और ये नकली आंसू निकाल रहे हैं और धरना दे रहे हैं। आप सबसे मैं आग्रह करूँगा कि इनके बहकावों में मत आइए। छात्र छात्राएँ हमारे हैं, और आज CM से भी हम मिले थे कि JCSC का जो एग्ज़ाम सब पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए, और जो अभी एग्ज़ाम होना है तो जो एग्ज़ाम होना है ये लोग जानबूझकर, भाजपा के लोग जानबूझकर चाह रहे हैं। JCL का जो एग्ज़ाम वगैरह होना है, भाजपा चाहती है कि और हम लेंदी कर दें, एग्ज़ाम ना हो। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर गड़बड़ियाँ हुई है तो उसके लिए जांच एजेंसियाँ हैं, हमारी जांच काम कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर मेरा मांग होगा कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराए। कहीं ना कहीं CBI जाँच ये लेंदी प्रोसेस है, युवाओं का भविष्य को टालना चाहती है कि हम चुनाव में चले जाएं और ये आरोप हम पे लगे कि हमारी सरकार ने युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया। अभी हमारा मांग है, BJP अगर सच्चे दिल से चाहती है तो वो हमें समर्थन करे। हम चाहते हैं कि 15 दिनों के अंदर सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाए और 10 या 15 दिन में रिजल्ट निकाला जाए, ये मांग होगा। भाजपा को ये मांग करना चाहिए। और CBI जांच, अब क्यों भाई CBI जांच? CBI जांच कीजिएगा तो फिर 2 साल बर्बाद हो जाएंगे हमारे छात्रों का, इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये भाजपा के लोग होंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, तमाम झारखंड के तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ, ये भाजपाइयों को आप लोग दूर रहिए, आप लोग, हमें चिंता है युवाओं की। वहीं CBI जांच की मांग पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम नाकारे हैं क्या, इनको हमारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। अभी SIT की जांच चल रही है, इसका रिजल्ट आने के बाद ही कोई टिप्पणी करना उचित होगा। CBI कोई भगवान नहीं है। कहे SIT, मतलब हम लोग इतने नकारे और निकम्मे हैं क्या कि एकदम हमारे ऊपर किसी को विश्वास नहीं है? इसका मतलब पूर्व में जो इनकी सरकारें रही हैं, इनको पूर्व में भी अपनी सरकारों पर, अपने एजेंसियों पर, अपने विभाग पर और अपने लोगों पर विश्वास नहीं रहा होगा। जब आप SIT की जांच पर अभी क्यों सवाल कर रहे हैं? जब जांच पूरी होगी और जांच से आप संतुष्ट नहीं होंगे तब ना आप कोई बात कहेंगे। जब जांच का अभी तो क्रम चल रहा है, अब CBI क्या, CBI भगवान थोड़े है? कितना कितना परसेंटेज उसमें कन्विक्शन हुआ है पता किए? ED का कितना परसेंट कन्विक्शन है? कुछ हजार लोग बस मात्र। इसलिए थोड़ा विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, सब चीज़ हो रही है। और छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का धोखा धड़ी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और ये नौजवानों की भी सरकार है, युवाओं की सरकार है, छात्रों की सरकार है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अरे भैया क्या बेन, अब क्या करेगा, जो लाक्षाग्रह में जलते हैं वही सुरमा निकलते हैं, हम जेले ना भेजेगा जी। बजट सत्र इस राज्य के दूरागामी भविष्य को तय करने वाला होगा। हम राज्य के हितों के साथ लोक लुभावने वादे करके जनता को ठगने और छलने वाले लोग नहीं हैं। इस राज्य को कैसे चौमुखी विकास हो, कैसे समृद्ध हो, इसके लिए विचार होगा। नहीं देखिए, जो जिन लोगों के रिजल्ट रुके हुए थे वो रिजल्ट जो है निकालने की प्रक्रियाएं चल रही हैं और कहीं पर कोई बट नहीं है। थोड़ा धैर्य धरिए, ये सरकार पूरी मजबूती से काम करेगी। न्यूज़ विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।